ठीक है दोस्तों, भैया कह रहे हैं यहाँ पे बम वगैरह ब्लास्ट करते हैं। सर मिस्टर कपूर, हाउ यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग वेरी गुड सर। अभी रुका हुआ रास्ता या खुला गए? ये आप देखो कितनी मुश्किलों से नीचे उतार रहे हैं हम। तो अभी 3 बजे सो के उठा हूँ, ब्रेकफास्ट किया या लंच किया, जो भी 3 बजे खाया पिया। तो अभी धूप यहाँ से जा चुकी है जिस जगह पे हमें, यहाँ पे धूप नहीं, और सामने आपको दिख रही होगी पहाड़ों पे धूप है, और ये पहाड़ आप देख सकते हो कितने ऊंचे हैं। तो ये नीचे हमारे खेत हैं, ये है रास्ता शिवा कपूर गया, वो वहाँ पे हमारा घर है। आज तो हम घूमने फिरने कहीं नहीं जा रहे, आज फुल रेस्ट मोड पर रहेंगे हम, और प्लान करेंगे कल कहाँ जाएँ, क्योंकि ऊपर वाले पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन 2-2.5 घंटे पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो देखते हैं शिवा कपूर अगर मान जाता है तो फिर हम कल ऊपर जाएंगे, नहीं तो एक यहाँ पे कह रहे हैं डैम है, वो अभी नया डैम बन रहा है या बन चुका है, तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे कि वो डैम कैसा है, देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पे खेल रही है भाई, यहाँ पे बेडू के बच्चे के साथ आप देख सकते हो, मतलब कितना प्यारा सा बच्चा भाई, क्यूट सा, स्वीट सा, और वो सोच रहा है कहाँ फंस गया मैं इस लड़की के हाथ। तो ठीक है दोस्तों, शाम को 5:30-6 बजे का टाइम हो गया, अब बाहर देखो वेदर भाई बड़ा ही प्यारा हो गया, तो बस यहाँ पे आप चल रही है गेम में। तो ठीक है, अब कल ही मिलेंगे आपसे भाई, इसके बाद पार्टन नहीं जाएंगे अभी, हम अभी डैम तक ही जाएंगे, बड़ा लेट हो गया। इधर पहुँचे सांस फूल गई तो हाँ पटियाला देखेंगे, पहले डैम होके नहीं, टाइम बचेगा फिर जाएंगे। हीरो कहाँ पे? इधर रास्ते में नहीं, ऊपर मैं दिखाऊंगा। तो काटता है क्या? हाँ। काटता है? नहीं नहीं, हाँ काटता है। नहीं जी जो फिर जाएं वापस? नहीं नहीं, बड़े खतरनाक रास्तों में चला रहा पूरा मेरे को। आज सारी साल की एक्सरसाइज एक ही दिन में करा देगा मेरे को, है नी? हाँ। क्यों ठीक है? श्री राम राम कहने आया तू? उस बंदे ने हमें चला चला के ना हमारी जुबानें बाहर निकलवा दी हैं, आगे से पोज मार रहा, इतनी चढ़ाई चढ़ाई है ना इसने। हाँ। चलो लेके चल आगे, चल। ये मेरा टूरिस्ट गाइड है, आज हमें ये घुमाएगा। गाइस रोड तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बड़ी खतरनाक चढ़ाई शॉर्ट कर ली है एक्चुअली, हमने साफ रास्ते से आते थे, रास्ता बड़ा लंबा था। ये शिवा को देखो आप, ये अभी तक सांस नहीं बराबर हो रही, वो लगी है अपनी गाड़ी सामने। तो चिनाब के ऊपर डैम बन रहा, चलते देखते। तो ये आ गया हमारा गाइड, ये हमारा आ गया प्रो गाइड। तो यहाँ से ऊपर वो जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर भी डर है हमारे, पिछली बार हम वहाँ पर भी गए थे, वहीं गए थे ना हम। हाँ, उधर ऊपर उधर ही गए थे हम। वो कौन सा गांव है ऊपर? चिंगनैना। हाँ हाँ, यूट्यूबर को बताते थोड़ी क्या बोलना। इधर आना, कहाँ भाग रहा? बोल हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। नहीं सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल ड्रीम 1000 राइड्स में। तो जैसा कि दोस्तों आज हम जा रहे हैं कीरू डैम प्रोजेक्ट देखने, जो कि यहाँ पे एक नया डैम बन रहा है। तो दोस्तों वेदर चेक कर सकते हैं यहाँ का, बड़ा ही अमेजिंग सा वेदर है, मतलब धूप है फिर भी ठंडी हवा चल रही है, वैसे चढ़ाइयाँ चढ़ने पे गर्मी लगी थी, लेकिन आप बाहर आप व्यू देख सकते हैं भाई, बहुत ही अमेजिंग सा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो ठीक है भाई, कर चुके हैं हम यहाँ पे एंटर कीरू डैम प्रोजेक्ट के रोड पर, ये जा रहा है जो मेन रास्ता ऊपर भाई, ये जा रहा है हमारा पाडर मचेल की तरफ, और हम जा रहे हैं अभी डैम वाली साइड। ऐसा कि सबको पता हमारी किस्मत में ज़्यादा ऑफ रोडिंग ही लिखी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें पता चला कि नीचे तक सारा ऑफ रोड ही ऑफ रोड मिलेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं भाई, वो सामने हल्का हल्का सा डैम का व्यू दिखना शुरू हो चुका है, और वो सामने ऊपर भाई पहाड़ देख सकते हैं क्या पूरा सफ़ेद हो रखा है भाई, आधा तो दिख ही नहीं रहा पीछे, बड़ा ही अमेजिंग सा व्यू है भाई। हाँ लगभग पहुंच गया डैम के पास हमें ना अब। ठीक है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं ठीक ठाक बड़ी
क्रेन खड़ी है भाई यहाँ पे, मतलब इतनी बड़ी क्रेन है, पता नहीं कैमरे में कितनी दिख रही होगी, लेकिन ये सही में बहुत बड़ी क्रेन है भाई। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी क्रेन देखी है। तो सामने देख सकते हैं भाई ये टनल जैसी, मतलब मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे बनेगा पावर प्लांट, यहीं पे बनेगा मतलब पावर स्टेशन जो भी यहाँ पे होगा कुछ यहीं पे बनेगा। तो खैर चलते हैं हम आगे, हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। जिधर से ट्रक आ रहा है उधर जाना, नीचे जाना ऊपर लगभग हम डैम तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा ही दूर रह गया डैम अभी। ये रास्ता ऊपर से आप देख रहे होंगे जिधर से ये ट्रक जा रहा, बड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ी है। और ऊपर से हमारी जो गाड़ी है ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है, तो फिर भी हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं इस पर, क्योंकि हमें तो घूमना है भाई साहब। तो दोस्तों डैम पीछे ही रह गया, मतलब डैम में ही हम थोड़ा आगे पीछे हो गए, थोड़ा आगे आ गए, डैम पीछे आ गए, सारा डैम ही डैम है। और देख सकते हैं आप यहाँ कितने ऊँचे ऊँचे, ऊपर वेदर भी बड़ा ही खतरनाक हो चुका है। ये भाई हमारा शिवा के फील हो वाला डैम का गाइस, इधर डैम श्योर की डैम मिलेगा ही नहीं। डैम श्योर है ये। चलो बच्चों डैम तो पीछे रह गए, वो बोलते हैं ये तो ऑफिस आ गया। ठीक है भाई, रास्ता भटक गए थे, मतलब थोड़ा आगे आ गए थे डैम से, तो चल रहे हैं वापिस। तो भैया एक हमारे अपने मिल गए हमें, तो भैया कह रहे हैं भाई डैम के अंदर पूरे अच्छे तरह से घुमाएंगे, तो फिलहाल हम ये वाले टनल में जा रहे हैं भाई, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, पहली बार जा रहा हूं मैं तो। सीधा नहीं, इधर कह रहे हैं, पता नहीं इधर इस तरफ उधर जाओ, सीधा उधर मत जाओ, उधर जाना, उधर जाओ पीछे पीछे, उधर मशीन लगी है। इतनी इंजीनियरिंग की है, कहाँ कहाँ पे खोद खोद के क्या क्या बनाया और क्या। तो फिलहाल अभी यहाँ तक की बनी है ये टनल, तो भैया हमें अपने मिल गए थे जिनकी वजह से हम यहाँ पे घूमने आ सके हैं, तो चलते हैं अब यहाँ से वापस। चल आगे बंद नहीं आ गया, खुदा ही चला रही है बंद। अच्छा इधर रखी रहेगी ये बंद है, अभी कल काम चल रहा है। अब दो तीन पेट्रोल पंप हो गए यहां पे। हां इधर नहीं, वो पीछे अपने घर के पीछे जो रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं थे वाले। तो गाइस एक यहां पे ये अभी अभी यहाँ तक ही बनी है टनल, तो मज़ा आ रहा है घूमने का यहाँ पे, टनलों में घूम रहे हैं आप देख सकते हैं ऊपर। तो ठीक है निकलते हैं यहाँ से, एक टनल और कह रहे हैं भैया जहाँ से पानी निकलेगा, ये पावर हाउस की टनल हैं, यहाँ पे बिजलियाँ तैयार होंगी। यहाँ से और अब हम पहले जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे डैम बनेगा, मतलब सारा पानी जहाँ पे स्टोर होगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे जहाँ से पानी नीचे गिरेगा। ये चुनाव का ही पानी है भैया। हाँ। तो इधर कम है ऐसे तो बड़ा गहरा होता है, यहाँ इधर से बंद करके उधर से निकाला पानी। हाँ। है ना, डाइवर्जन दिया इसको, जहाँ से वापस आए उस साइड से जो आगे से बड़ा तेज पानी जा रहा है जिधर से गाड़ी मोड़ी थी पहले हमने। तो दोस्तों लगभग पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे डैम के पास, ये पानी यहाँ पे नीचे आपको दिखाते हैं, यहाँ से डाइवर्जन दिया हुआ है इसको चुनाव को। तो गाड़ी आप देखो कितनी मुश्किलों से नीचे उतार रहे हैं हम, बहुत ही चढ़ाई वाला, पीछे डैम्पर भी आला तेरे चलाया। तो ये यहाँ पे चुनाव को डाइवर्जन दिया हुआ है, यहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो यही पानी वहाँ से पहाड़ों से पीछे से निकल के बहुत ही तेज़ बहाव से जाता है आगे। तो फिलहाल अब यहाँ पे जाना हमने, नीचे जाना है ठीक है भाई। बड़ा ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने का, आज आप देख सकते हैं सामने का ये खूबसूरत सा दृश्य और ये बड़े बड़े से पहाड़ भाई। ये भाई सूरज हमारा हमारे साथ साथ तब से पैदल चल रहा है भाई, सारा रास्ता हम दोनों ने मिलके साफ किया है। तो बाकी लोग गाड़ी में आ रहे हैं और रास्ता आप देख सकते हैं भाई कुछ ऐसे ही है, ठीक है धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग आगे, चिकड़ो चिकड़ी रास्ता, तो थोड़ा साइड से चलेंगे, गाड़ी को भी भाई पता नहीं ऊपर कैसे लेके जाएंगे। तो सामने आप देख सकते हैं ये भाई चुनाव का पानी रुका हुआ है यहाँ पे, तो बड़ा ही अमेजिंग सा व्यू आ रहा है भाई। तो ये साइड पे आप आवाज़ सुन सकते हैं पानी की कितनी आ रही है भाई, अभी पानी यहाँ से ना मैं बताता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा सा जा रहा है और आवाज़ इतनी आ रही है, सोचो भाई जब यहाँ से दरिया जाता होगा तो कितनी आवाज़ आती होगी पानी की। खैर
फॉर सर मिस्टर कपूर, हाउ यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग वेरी गुड सर। तो ये सारा चिन्हा अभी आ रहा ना? ये तो नहीं, दरिया बंद किया था ना, जब पानी ने टूट गया। अच्छा, पानी एक बार ये टूट गया बंद? हाँ, टूट गया पानी। तो कोई नुकसान थोड़ी हुआ, जानी जूनी नुकसान हुआ कोई? नहीं, नहीं। पानी एक बार आई गया होना ना, फिर पानी बनने का यार, जब बरसात थी ना टूट गया, ये बनाया था जैसे आप बना रहे हैं ऐसे बनाया था। अच्छा, पानी उधर से जा रहा था, ज्यादा पानी हो गया टूटा फिर। ओहो, डैम्पर भी गया। पानी का बड़ा जोर होता है, पानी का रुका। अब फिर आज बंद कर रहे हैं भी, वो लगा अब फिर से वही चीज बना रहे हैं। चलते हैं लोग इसके ऊपर से? चलते हैं लोग, गाड़ियाँ थोड़ी चलती हैं, पैदल पैदल के लिए। तो जब ये पानी इधर बांधा नहीं था, दरिया पहले इधर से ही जाता था, तो ये पुरानी सारे पानी में बह गई थी। तो दोस्तों, एक सेक्शन हमने घूम लिया है, टनल वगैरह भी घूम लिया। तो ये जो सामने आपको एरिया दिख रहा होगा, यहाँ से पहले दरिया यहीं से आता था एक्चुअल में, तो अब दरिया को वहाँ से बांध दिया गया, वहाँ से दरिया ऊपर की ओर जा रहा है, जो कि अब बिजली तैयार करने के लिए, मतलब जो भी प्रोजेक्ट है इनका। तो ठीक है, फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, तो अब अगली सेक्शन में मिलते हैं आपको ऊपर जाके। भैया हमें कह रहे हैं वहाँ पर घुमाएंगे जहाँ पर बिजली तैयार होगी, जहाँ से पानी निकलेगा और नीचे गिरेगा। तो भाई हमारा गाड़ी घुमा रहा है, तो ये ऊपर जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये तब चलता था मतलब पैदल लोगों के लिए, ये दरिया पहले यहीं से जाता था, तो अब दरिया को वहाँ से बांधा है इन्होंने। ये पहाड़ों से जो पानी निकल रहा है भैया, ये चिनाब का ही है, ये जो पत्थरों में से निकल रहा है। तो एक टनल ये है, इधर से भी पानी आएगा, पानी इसी में आएगा सर, पानी मेन इसी में आएगा, इसी में आएगा, इधर से आगे आगे जाएगा, आगे से जाके नीचे जाएगा, उसमें जो नीचे हम गए थे ना। हाँ जी, हाँ जी, उसमें जाएगा। अच्छा, यहाँ से ये पानी नीचे वाले टनल में जाएगा, ये इसी में चलेगा ग्राट, इसमें बिजली तैयार होगी, वो तो खाली उसमें बनेंगी, बिजली घर बन रहा है सब किए ना उनको बाहर के लिए, जब से पानी आएगा ना ओपन किया है, उधर से फिर नीचे आपको डैम नजर आएगा। अच्छा, अभी पानी उस लेवल पे पहुंचा नहीं ना होगा, अभी यहाँ से निकले तभी उन्होंने थोड़ा थोड़ा आगे पीछे से खोला होगा कि पानी लेवल पे आए। नहीं, पानी का लेवल आएगा आगे से, जब डक लगेगी तब आएगा, तब आएगा वो डाका भी, आप जो बना रहे हैं जो बना रहे हैं। अच्छा, हम एंड तक जाएंगे इसके, चलो ये भी शुक्र है सही में आप मिल गए, नहीं तो इतना हमने कहाँ देखना था, हमें पता ही नहीं चलना थी इतनी चीजें। इधर से भी आगे जाएगा पानी है ना, तो जाके फिर नीचे पड़ेगा, एक यहाँ से जाएगा, बड़ी गुफाएं बनाई है आगे, रास्ता रुस्ता मेरे को नहीं लग रहा है आगे, नहीं बस इधर ही कहीं गाड़ी लगा ले, उसमें भाई ने डैम्पर बाहर निकालना है। तो दोस्तों, भैया ने हमें ले आया है यहाँ पे, यहाँ से पानी जाएगा, फिलहाल हम चल रहे हैं तो तब यहाँ पे कोई दिखेगा ही नहीं, इतना इतना पानी जाएगा, ये नीचे से पानी यहाँ पे रोका हुआ कहीं, रुक जाओ उधर ही दौड़ते जा रहे हो, ऐसे भाग रहा है कहीं। अच्छा, यहाँ से पानी लेवल करेंगे यहाँ तक आगे से बनाएंगे ना, इधर से पानी चढ़ के इधर आएगा वो, वहाँ से पानी इधर तक लेवल होगा, बंद और बनेगा आगे, सीमेंट वाला बंद उधर से बड़ा वाला ना पास जाएंगे, अंदर सीखे इधर भी सीखे, फिर पूरा सीमेंट से वो ऊपर भी है, वो वहाँ पे भी बने फ्लॉप, उधर चढ़ेगा ना दरिया भर जाएगा, ये बांध देंगे पानी को इधर तक, भर के इसमें आएगा। ये कम से कम कितने फीट होगा, क्या ये वाला नया नया पुल शिवा उधर से देख, तो देख सकते हैं भाई नीचे यही वो जगह है जहाँ पे डैम बनेगा, मतलब एक वाल यहाँ पे बनेगी, वाल टू वाल, ये तो सामने वाला पहाड़ हमें दिख रहा है,
इस पहाड़ से लेके हमारे पहाड़ तक भाई एक दीवार बनेगी इतनी ऊंची, और यहाँ पे पानी डैम्प होगा, एक दीवार काफ़ी आगे जाके बनेगी, तो यहाँ से पानी इस लेवल तक होगा जिस लेवल पे हम खड़े हैं, तो फिर यहाँ पे इस टनल से पानी निकलेगा भाई। तो बैक साइड में एक टनल है, वहाँ से जाके नीचे गिरेगा, दिखाते हैं। ये भैया का बड़ा बड़ा शुक्रिया, भैया ने हमें वो चीज़ें दिखाई जो हमने सोची नहीं थी, और ये बंदे हमें लेके आए थे कि आपको घुमाएंगे, भटका दिया था इन दोनों ने हमें। तो बता ना पूरा कहाँ लेकर आया हमें, इधर तो देख खेरू डैम छुपा रहा है इधर। सही है यार, ये जगह सही दिखा दिया हमने। निकलते हैं यहाँ से अब आगे घर की तरफ वापस, भैया ने बड़ा कुछ दिखा दिया, बड़ा घुमा दिया हमें, अच्छा हो गया भैया मिल गए। चलो बच्चा पार्टी आ जाओ, तो यहाँ से पानी आगे जाएगा, एक फेस ये है, एक फेस वहाँ पे है, एक दो फेस वहाँ पे भी होगा। यहाँ पे अभी हुआ ही नहीं, खुदाई नहीं हुई है यहाँ पे, आ गया ना अभी, रुका हुआ रास्ता या खुला गया। अच्छा यहाँ से नीचे के लिए खोदा, तो ठीक है दोस्तों, भैया कह रहे हैं यहाँ पे बम वगैरह ब्लास्ट करते हैं, माइनिंग चलती है यहाँ पे, तो गाड़ी ज़्यादा देर यहाँ पे खड़ी करने नहीं दे रहे हमें, तो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, तो चलते हैं घर की तरफ वापस। तो आप देख सकते हैं भाई कितनी बड़ी टनल है और कितनी खूबसूरत सी जगह है, ये बड़ा मज़ा आया भाई आज यहाँ पे घूमने का, उम्मीद करता हूँ आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा भाई। तो ठीक है भाई, फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे इस व्यू पॉइंट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा ये व्यू पॉइंट है भाई। तो यहाँ से भी नीचे डैम दिखेगा जब यह डैम बन जाएगा, तो वहाँ पे पीछे भाई डैम है, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा चिनाब जा रहा है हमारा, जहाँ पे काम लगा हुआ। पूछो इनसे, जो जो चाकोबार कह रहा है, चाकोबार दोनों को, दोनों को, दोनों को दो चाकोबार। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग यहाँ पे आए हैं पटियारना बाजार में, थोड़ा सामान लेंगे शाम के लिए खाने पीने का, तो फिर बस चलते हैं घर ही जा रहे हैं।